आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 324वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है, फुटओवर ब्रिज आपको दिख रहा है। फुटओवर ब्रिज मार्च 2022 से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने बीत गए, एक फुटओवर ब्रिज तैयार नहीं हो पाया है। काम किस गति से चल रहा है, किस गुणवत्ता का चल रहा है, ये सब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर टाइल्स निकाल कर एक बार फिर लगाए गए हैं। जनरेटर यहाँ पर चल रहा है और जनरेटर जहाँ चल रहा है तार पूरे खुले हुए हैं। और अगर यही आप देखेंगे, ये देखिए, ये यहाँ पर अगर आप यहाँ दिखाएंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पर बैठ चुका है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पूरी की पूरा यहाँ बैठ चुका है। इसको यहाँ कॉम्पेक्शन नहीं कराया गया है, माफ कीजिए। और इसके अलावा ये भी हम आपको बता दें कि संभवतः कॉम्पेक्शन टेस्ट यहाँ नहीं कराया गया है। दरअसल कॉम्पेक्शन टेस्ट जरूरी होता है। कॉम्पेक्शन टेस्ट जो भी कॉम्पेक्शन टेस्ट तकनीकी कर्मचारियों, तकनीकी प्रभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दरअसल जो कॉम्पेक्शन होता है वो जैसे हैंडपंप खोदा जाता है, हैंडपंप जिस तरीके से खोदता है, हैंडपंप खोदते समय पाइप पूरा अंदर डाला जाता है और जो मटेरियल है पूरा मटेरियल बाहर निकाला जाता है और उस मटेरियल में लेयर बाय लेयर कहाँ कितनी लेयर है और किस स्तर पर वो सारी की सारी लेयर, जो भी लेयर बाय लेयर वहाँ निकलती है उसमें कितना धम्मस किया गया है, वो सारी चीज़ें उसमें सामने आती हैं। पर यहाँ पर जिस तरीके से पूरा बैठ रहा है उसे देखकर नहीं लगता है कि यहाँ पर कॉम्पेक्शन टेस्ट कराया गया होगा। यहाँ एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीच में लगाएंगे यहाँ पर। कॉम्पेक्शन टेस्ट की यहाँ बहुत ज़रूरत है। तकनीकी प्रभाग का एक भी अधिकारी आज तक, इतने लंबा समय बीत गया, आज तक एक भी तकनीकी प्रभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। स्टेशन के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। स्टेशन मास्टर जहाँ बैठते हैं, अंदर आ सकते हैं ना? नहीं कर सकते। चलिए, आपका कहना यह है कि अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है, पर यही बात है कि हमारी बात कौन सुने। सांसद जिनकी बात सुनी जाती है वे बोलने को तैयार नहीं, विधायक जिनकी बात ये मानेंगे वे बोलने को तैयार नहीं है, आम जनता को जवाब मिले तो आखिर कहां से मिले। ये देखिए, हमने आपको कुछ एपिसोड पहले दिखाया था, यहाँ पर ये टूटी टाइल्स थी, टाइल्स को बदला जा रहा है। ये लगभग एक हफ्ते भर पहले हमने आपको दिखाया था यहाँ टूटी टाइल्स के, इन टाइल्स को यहाँ बदला जा रहा है। सवाल यही है कि अगर टाइल्स को बदला जा रहा है, वो भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबर के प्रसारण के बाद, तो जो मोटी तनख्वाह पा रहे हैं जो अधिकारी कर्मचारी, उन अधिकारी कर्मचारियों को वेतन किस बात का मिल रहा है? क्या किराए के महंगे विलासिता वाले वाहन उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं इसके लिए, या उन्हें मोटी पगार दी जाती है इसके लिए? ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है कि आए निरीक्षण करें। और अगर ये जो हमने आपको दिखाया, जो भी चीजें दिखाई हैं, ये सारी चीजें एक के बाद एक के बाद एक, सब कुछ जैसे जैसे हमने प्रसारण किया वैसे वैसे उसके उपरांत इन चीजों में सुधार हुआ। तो हमारा यही एक प्रश्न है बालाघाट के सांसद डॉक्टर हल सिंह बिसेन से, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से, कि ये अधिकारी यहाँ पर शोभा की सुपारी बनकर क्यों बैठे हुए हैं? अभी हमने आपको अंदर दिखाया, सेफ्टी मेजर्स, कहीं भी सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं किया गया है। सेफ्टी मेजर्स के अलावा सिवनी में अगर यहाँ पर कॉम्पेक्शन टेस्ट
अगर यहाँ पर जो भी मुरम डाली गई है, गिट्टी डाली गई है, मिट्टी डाली गई है या फिर कंक्रीट किया गया, कॉम्पेक्शन टेस्ट कब हुआ, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उनका संसदीय क्षेत्र है, उन्हें पूछना चाहिए रेल मंत्री से कि कॉम्पेक्शन टेस्ट कब हुआ और उसके परिणाम क्या आए और किसकी उपस्थिति में कॉम्पेक्शन टेस्ट कराया गया। यहाँ से सड़क का अता पता नहीं है अभी तक। ये देखिए यहाँ से वहां तक धूल उड़ती हुई आपको साफ दिख रही होगी। नागपुर की ओर जाने वाला मार्ग, ये नागपुर की तरफ का हिस्सा, ये हिस्सा कटंगी इलाके की ओर जाने वाला मार्ग। तो सवाल यही है कि इस सड़क भी अभी तक नहीं बन पाई है और ट्रेन चलाने के दावे सभी के द्वारा किए जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि सिवनी में रेलवे स्टेशन तैयार करने में इतना विलंब कारित किया जा रहा है, इतने विलंब से सिवनी में रेल का काम चल रहा है और उस सब के बाद भी सांसद बोलने को तैयार नहीं, विधायक बोलने को तैयार नहीं सिवनी का रेलवे स्टेशन। उसके बाजू में आप देखिएगा, दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी खुदाई होकर निकल चुका है, सीपेज साफ दिख रहा है। वहाँ अगर आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो एक लाफ्ट जैसा निकला हुआ उसके ऊपर देखें, नीचे देखें, हर जगह बिल्डिंग पूरी तरह से सीपेज उसमें नजर आ रहा होगा। ऐसे गुणवत्ता विहीन काम को अगर इसको ही विकास कहा जाता है तो सिवनी का हर एक नागरिक चीख चीख कर ये कहने पर मजबूर होगा, ऐसा घटिया विकास हमें नहीं चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए। रेलवे के सतर्कता विभाग विजिलेंस को इसकी जांच करनी चाहिए कि इस पूरे मामले में जो भी इंजीनियर रहे हैं जिनके द्वारा भी इसके ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत महंगे उपकरण लगे हुए हैं, जिन उपकरणों को हालांकि आउटसोर्स किया गया है, अगर कुछ उस पर खराबी आती है तो कंपनी उसके लिए जवाबदेह होगी, रेलवे जवाबदेह नहीं होगा, पर जो विलंबकारित होगा उसका भोगमान अंततः आम जनता को यात्रियों को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अभी भी समय है, अगर इस पूरे मामले में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पहल कर ले तो सिवनी में एक ऐसा रेलवे स्टेशन तैयार हो सकता है जो उनका नाम, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का नाम सदियों तक दशकों तक लेता रहेगा। अन्यथा लोग इस घटिया इस गुणवत्ता विहीन रेलवे स्टेशन के मामले में कहीं ना कहीं दोषारोपण भी किसी ना किसी पर करेंगे। लिमटी की लालटेन के 324वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे देखना चाहते हो तो आप रोजाना सुबह 7 बजे से देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन का 324वां 25वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।